अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सी बात कर रहा हूँ। यार आई सुबह से ना तकरीबन मैं पांच बंदों से मिला हूँ, पांच के पांच ही सुबह मुख्तलिफ औकात में मिला हूँ। हर बंदा भाई की कर रहे हो भाई, ओईटी करके बाहर जा रहा हूँ। बंदा पूछे चले कितने, अगर तुझे सारे बाहर चले हो अंग्रेज कितने चले ने यार, जिसको घर पर कोई आप गलो दूसरे रोटी नहीं पूछता कितने चले हो भाई, मैं बाहर चला। वो यार बाहर मैनू लगता शाहकोट का नाम चेंज करके उन्होंने द स्टेट ऑफ की नाम शाहकोट या शाहकोट द स्टेट ऑफ मैनचेस्टर कहना शुरू कर दिता। खुदा दे बंदे हो यार, जा किधर रहे हो आज ना। मैं नाल नाल सॉन्ग भी अच्छा, ये व्लॉगिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई करने की ना। तो आज सुबह मैं बंदे को मिला, मेरा क्लासमेट है, मेरे साथ बैठा हुआ। भाई क्या कर रहे हो, मैंने बताया एक मामला चल रहा है। क्या कह रहा हूँ भाई, ओईटी दे दी है, प्लैब वन दे दिया, प्लैब टू की तैयारी कर रहा हूँ। प्लैब टू की तैयारी पर भी 18 लाख रुपया खर्चा आता है, और मुझ जैसे गरीब आप कह रहे हो कि जिनकी जेब में 100 रुपया मुश्किल से होता है, 18 लाख रुपया वैसे सुन के तुम कह लो कि हार्ट बीट यहाँ पे ना पेन होती है। और चलो एनी हो, गल आई गई होगी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा हुआ, मैं अपना जरा स्ट्रेस रिलीज करके कि नहीं भाई मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, मैं जीना होगा मरना होगा पाकिस्तान में रहना है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, मेरा एक जूनियर आ गया। हाँ भाई तू क्या कह रहा है, उन्हें अंग्रेजी की किताब पढ़नी शुरू की हुई। हाँ भाई क्या करना है, भाई ओईटी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर की करेगा भाई, बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ आयरलैंड के। तेरा ब्याह कर कोई, तू बाहर कितने चला, तेन तो घर वाले रोटी नहीं देंगे। है नहीं आओ, बात कही है कि होगी। चलो दोबारा डिप्रेशन, घर आया भाई आपका घर आ गया, मैंने अपना वही जिम शिम मारा जो करना था किया, लाइब्रेरी चला गया। वो लाइब्रेरी मेरे तीन जूनियर सारे क्या कह रहे हो भाई, प्लैब की तैयारी कर रहे हो। यार प्लैब ना हो गया, तुम कह लो कि खोड़े वाली टिकट हो गई, हर बंदा ले फिर दे। नहीं आओ यार, मैं नहीं आओ बार बार ताँ कह डे, मेरी अंग्रेजी इन्नी को आँगी साइया अंग्रेजी ज़्यादा नहीं, तो ओईटी पास कर लेंगे ने। तो भाई ये तरीकाकार है कि आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो तो ना रहने वाले हैं। सीधी बात है, हर बंदा बाहर जा रहा है, जिससे पूछो बाहर की टिकट ले रहा है। तो जो हालात चल रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार बाहर जाऊँ, लेकिन बाहर कैसे जाना है यार। तो 2.25 लाख मांगते हैं ओईटी वाले, इतने पैसे मांगते हैं प्लैब वन वाले, बरतानिया का पेपर है, 18 लाख मांगते हैं प्लैब टू वाले। अगर मैं जहाज में खड़ा होकर जाने की कोशिश करूँ तो 16-17 लाख लग जाना है। और अंग्रेजी आपके भाई की पूरी पूरी है, ये ना होना कि जी हूँ अंग्रेजी सीखने लग भी रहे, जो 4 मिनट पाकिस्तान बने भी पा जाए। तो बस यही मेरी यार रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में रहो, यहाँ बड़ा मज़ा है। पाकिस्तान में रह के मल्टीपल काम कर सकते हो, यहाँ अपने प्रोजेक्ट करो, छोटे छोटे साइड बिजनेस कर लो, लेकिन पाकिस्तान से ना जाओ यार। जो पाकिस्तान की चस है ना, ये चस बाहर नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ों में जा क्या कर लोगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जगह पे अच्छी मिल जाएगी, पे मिलेगी क्या करोगे, माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर, प्रॉपर्टी ले जाओगे, एंड बंदा मुक जाता है, पीछे प्रॉपर्टी बचती है, किले ही बचते हैं, ठीक है ना। तो किलों को अवॉइड करो, घर वालों के साथ रहो, पाकिस्तान की लाइफ इंजॉय करो यार। क्या करोगे, पैसा रोटी नाल थोड़ी खाना है यार, जो आप पाकिस्तान का मज़ा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो पाकिस्तान रहो, इंजॉय करो, थैंक यू।